Hello everyone, welcome to my channel Ease Learning. This is Monica and in today's 1 minute concept series I will discuss about Yashpal Committee. आज हम डिस्कस करेंगे यशपाल कमेटी के बारे में. यशपाल कमेटी डॉक्टर यशपाल जी की चेयरमैनशिप में बनी थी. हायर एजुकेशन में रिफॉर्म्स लाने के लिए इस कमेटी को बनाया गया. यशपाल डॉक्टर यशपाल जी वो एक एजुकेशनिस्ट थे, इंस्टीट्यूशनल बिल्डर थे. दैट मीन इंस्टीट्यूशन बिल्डर और हायर एजुकेशन रिफॉर्म्स के लिए उन्होंने काम किया. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वर्क के लिए काम किया. इन्हें बहुत सारे अवार्ड भी मिले. लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड, पद्म विभूषण बहुत सारे अवार्ड भी मिले इन्हें इनके काम के लिए. हायर एजुकेशन में रिफॉर्म्स और इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट फील हुई और तब जाके यशपाल कमेटी बनाई गई 2009 में, 24 जून 2009 में. इनके जो की एलिमेंट्स और की वर्क की हम बात करेंगे तो लर्निंग विदाउट बर्डन की जो आपकी लर्निंग होनी चाहिए स्कूल्स की वो विदाउट बर्डन, दैट मीन्स जो आपका साइज ऑफ स्कूल बैग है वो कम होना चाहिए. जॉयफुल लर्निंग होनी चाहिए. सिलेबस और टेक्स्ट बुक पर भी काम कीजिए कि ज़्यादा आपने वाइड सिलेबस और टेक्स्ट बुक नहीं रखनी, बच्चों पे बर्डन ना आए. और एग्जामिनेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने की रिक्वायरमेंट थी. तो लर्निंग विदाउट बर्डन, ये आपको की एलिमेंट याद रखना है. डीम्ड यूनिवर्सिटी के कंसेप्ट को ख़त्म करने की बात की. या तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ को ख़त्म कर दिया जाए या फिर इन्हें फुल फ्लेज्ड यूनिवर्सिटी बना दिया जाए. तो ये भी रिकमेंडेशन थी यशपाल कमेटी जी की रिकमेंडेशन में. डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ को फुल फ्लेज्ड यूनिवर्सिटी बनाया जाए या फिर ख़त्म कर दिया जाए, स्क्रैप कर दिया जाए. और लर्निंग विदाउट बर्डन और सबसे इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट UGC, AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, NCTE, नेशनल काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इनमें एक स्टैचूटरी बॉडी बनाई जाए इन्हें रिप्लेस करके, जिस जो इनके वर्क को देखेंगे. कमीशन फॉर हायर एजुकेशन रिसर्च, ठीक है, कमीशन फॉर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च CHER, इनको एक स्टैचूटरी बॉडी बनाई जाए जो इनके वर्क को इम्प्रूव किया करेंगे और काम करेंगे. कमीशन फॉर हायर एजुकेशन रिसर्च. साथ साथ इन्होंने हायर एजुकेशन में रिफॉर्म की बात की कि हायर एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करना है. इनकी इंपॉर्टेंट एक और रिकमेंडेशन है IIT और IIMs, जितने भी IITs और IIMs हैं उन्हें फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी बनाया जाए. और काफ़ी सारे और सब्जेक्ट्स, लिटरेचर, लिंग्विस्टिक, पॉलिटिकल साइंस, ये इंक्लूड किया जाए IIT और IIMs के लिए. तो हम की एलिमेंट्स पे फोकस करेंगे जिससे क्वेश्चन भी आते हैं कि यशपाल कमेटी डॉक्टर यशपाल जी की रिकमेंडेशन में बनी थी 24 जून 2009 में. और लर्निंग विदाउट बर्डन पे बात की, डीम यूनिवर्सिटीज़ को ख़त्म करने की बात की, IIT और IIMs को फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी बनाने की बात की. और एक स्टैचूटरी बॉडी इस्टेब्लिश करेंगे, कमीशन ऑफ हायर एजुकेशन रिसर्च, जो UGC, AICTE और NCTE को रिप्लेस करेगी. आई होप आपको 1 मिनट कंसेप्ट सीरीज अच्छी लग रही है. तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट. थैंक यू.